राम राम भाइयों, आज मैं लाया हूँ वीडियो आपके लिए कि जिन लोगों को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो एडसेंस से निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी यार, एडसेंस के बहुत सारे भाई लोग हैं, जैसे कहते हैं एडसेंस के भाई लोग होते हैं तो पार्टनर होते हैं तो उसके साथ वो काम करते हैं, जैसे एडसेंस काम करता है ऐसी एडसेंस के भाई लोग भी जो कंपनियों से वो लेते हैं डाटा और उसके पार्टनर हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं एड मैनेजर, ठीक है। आज मैं उनके लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद उस पर ट्राई किया, तो उस पर इजीली आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। एडसेंस के लिए ही वो सेम वैसी ही वो देते हैं, बाकायदा इंप्रेशन पे भी देते हैं और बाकायदा आपको उस पर भी मिलता है, क्लिक पे भी मिलता है, सेम मिलता है, सेम सब कुछ सेम रेट होता है, उससे अच्छा ही मिलता है। मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि मैंने अप्लाई किया था तो क्या हुआ था, तो कौन सी साइट है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आगे चलने से पहले इतना कहूँगा, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ये मई 12 को, तो ये 12 मई की है, फिर इसको फास्ट गूगल एडसेंस अप्रूवल फॉर ब्लॉगर एंड द वर्डप्रेस, ये लिखा हाउ टू मोनेटाइज ब्लॉगर। तो इसमें कई भाई लोगों ने कहा था कि हाँ भाई कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये है वो है। अरे भाई, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि लोगों को अवेयर कर सकूं कि गूगल एडसेंस अगर अप्रूवल आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आइए, मैं इसमें ट्रिक नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। यूट्यूब की पॉलिसी होती है, ट्रिक बताने के बाद वो यूट्यूब ही कॉपी कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा, ठुल्लू बेकार में यार, खाली बिली के ड्रामे। कईयों को तो मैंने फ्री में एडसेंस अप्रूवल दिलाया, वो लोग तो अपने आप को समझते जैसे पता नहीं एहसान कर दिया हो, ऑटोमेटिक मिल गया, फ्री में मिल गया। तो ऐसे ऐसे लोग भी मेरे साथ टच में है, लेकिन अब इसी वजह से मैंने क्या करा है कि कोई फ्री में नहीं देने का, पेमेंट लेने का, और पेमेंट आधी पहले लेने का आधी बाद में लेने का। तो ये चीज़ है, ठीक है, हम बकायदा आपकी हेल्प करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, सारी चीज़ें जो भी करेंगे यार, हमारा रोल है, हमें आपको एडसेंस अप्रूवल देना है, आपको खाली लॉगिन आईडी देनी होती है वर्डप्रेस की बस, और अपना कोई एडसेंस का कुछ नहीं देना, जब मैं कहूँगा तब आप उसको रीअप्लाई करें, दैट्स इट। जब आपका अप्रूवल हो जाए तो आप उस बैलेंस अमाउंट जब पेमेंट करें, और रही बात उसकी अगर एडसेंस नहीं देते पेमेंट तो मेरा काम है कैसे मेरे को उसको ब्लॉक कराना है, कैसे करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कईयों के ब्लॉक भी कराए जिन लोगों ने मेरी लास्ट टाइम पेमेंट नहीं दी थी, तो वो चीज़, लेकिन जिनसे मेरी जो कमिटमेंट हुई थी, अब ऐसे ऐसे बंदे भी जिनको फ्री में देने के बाद हुई तो उल्टे भी कमेंट करते हैं नीचे ये कि हाँ भाई ये है वो है, भैया इसमें तो बकवास है सब कुछ। अरे यार, ये मैंने वीडियो बनाने का टारगेट यही है, अगर मैं यही सारी चीज़ बता दूंगा तो फिर तो मेरा क्या रोल रह जाएगा, मेरे को भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो ये चीज़ है। तो अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ आइए, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में तो खाली आप हाई हेलो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, अब मैं ज़्यादा सब चीज़ें शेयर नहीं करता ग्रुप के अंदर, लिमिटेड चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक। तो वो चीज़ है, तो बस ये था, चलिए अब आगे चलते हैं। और ये बात, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पर भी ध्यान दे लीजिए कि ये एडसेंस जिनको नहीं मिलता है ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ, जिनके पास ऑलरेडी एडसेंस है वो तो कर ही नहीं सकते, मैं उसके लिए भी बता रहा कि जिनको एडसेंस अप्रूवल है तो वो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में जो जो नए बंदे हैं, भाई लोग हैं, अगर उनको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए यहाँ से, ठीक है, और अपना सब्सक्राइब भी कर दिए मेरे इसको चैनल को, ठीक है, और ये घंटी भी दबा दिए, जोर की दबाना, ठीक है, हर हर महादेव की तरह, हर हर महादेव, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मेल थी ये था, मैं इसका दिखाना चाहता कि आई थी मेरे पास कब आई थी, 17 मई को, तो मैंने इसको अप्लाई किया था करीब हो गया लास्ट एक हफ्ते पहले किया था, 1 वीक पहले किया था, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था, मैं ऐसे तुक्के में कर दिया, मैं बहुत सारी ऐसी करा, तो मेरे पास ऑलरेडी जिन पे एडसेंस अप्रूवल है मैंने उसी पर अप्लाई कर दिया था। तो उसमें मैंने क्या करा था कि उस पर मैंने करा, तो ये वहां से मेल आई मेरे पास 17 तारीख को आया रिप्लाई कि भाई आपका वो हो गया ज्वाइन वेट लिस्ट हो गया और आपको यहाँ पर ये मिल गया है एक्सेस का गेट प्री लॉन्च। तो ये क्या आपको एक्सेस दे देते हैं, आपको एक डैशबोर्ड दे देते हैं, और डैशबोर्ड देने के बाद में सीधा ही आपको एडसेंस की तरह सेम एडसेंस ही है, बिल्कुल सेम टू सेम एडसेंस है, सेम वैसी प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, और एक मिनट के अंदर ही आप उसके अंदर वो डाल सकते हैं। करना क्या था मुझे, यू आर इन और यू आर नाउ द एक्सेस द बेसिक द प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ ये दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, 1 यहाँ से और इंस्टॉल द स्क्रिप्ट, 1 मिनट में कर सकते, इंस्टॉल द स्क्रिप्ट आएगी, उसके बाद रजिस्टर शो एड जो अपना एडसेंस में होता है सेम वैसी, और उसके बाद क्रिएट एड डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी को उसको फाइल को उसमें डालना होता है, और क्रिएट अकाउंट मैंने करा, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें यहाँ से करके दिखाता हूँ, देखो कैसे क्या आया था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, अभी आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अभी मत जाइए कि सोचे कि भाई मैं डायरेक्टली जाके वहाँ से अप्लाई कर, अप्लाई करने के भी रूल है, तो मैं आपको वो आखिरी में बताऊंगा कि क्या अप्लाई है, अभी मैं उसका बता रहा हूँ जो मेरे पास मेल आई थी। तो यहाँ पर आने के बाद सीधा ही मैंने क्या करा कि यहाँ पर आते ही मैंने सीधा ही उनको अप्लाई कर दिया, मेल आईडी अपनी यहाँ से डाली,
जो मेल आईडी थी ये डाल दी मैंने और सीधा इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अभी कह रहा है सॉरी दिस मेल यू इज ऑलरेडी टेकन, तो ऑलरेडी लिए हुई है, टेकन करी है, तो यहाँ पर हमें जो ईमेल आईडी उससे मिलती है, या मैं ऑलरेडी इसको अप्लाई किया था मैंने दूसरे उससे, तो मैंने इसको अप्लाई करने के बाद में यहाँ से कर दिया। और एक मैंने वेबसाइट मैंने कौन सी अप्लाई करी थी, मैंने इस वेबसाइट का डाला, तो इस वेबसाइट का मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजोन टैग न्यूज जो मेरी है, ठीक है, अमेजोन टैग न्यूज इस पे करा था, इस पे ऑलरेडी एडसेंस अप्रूवल है। ठीक है, इसमें मैंने कई तरह के अप्रूवल है, ये एफिलिएटेड है, ये वी कमीशन का, वी कमीशन का भी लेना हो तो आप मुझे बताना, वैसे वी कमीशन की मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, कहोगे बता देंगे। अमेजोन ये एफिलिएटेड में तीनों चीज़ें कमा रहा है, अमेजोन से भी, वी कमीशन से भी और अपने एडसेंस से भी, तो तीनों चीज़ से देखो। अब इस पे एडसेंस की आप सोचेंगे कि ऐड तो आ नहीं रही, तो कहाँ से इस पे एडसेंस अप्रूवल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है, इसको यहाँ से मैं जाता हूँ इसको थर्ड पार्टी, और यहाँ से मैंने इसको ब्लॉक कर रखा, मैं सेटिंग में गया, मैं पसंद नहीं है मेरे को वो चीज़ करना, मैं जाता हूँ एड्स। और हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो आती है ना, सबकी कंडीशन ये होती है कि भाई वहाँ पर वो आ रही है, दिक्कत आ रही है, अपना क्या कहते हैं लिमिट आ रही है, एड्स लिमिट आ रही है। एड्स लिमिट क्यों आती है, सिंपल सा तरीका है यार, कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में होता है, आप खुद ही कर सकते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, उसको कर दीजिए। और प्लस अपना या तो इसको यूज़ करते हैं या फिर गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, तो उसमें आता है ब्लॉक का, ठीक है, जैसे अभी ये गूगल क्रोम है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो वहाँ पर ये है, तो ये मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना, तो इसमें बेसिक है स्ट्रिक, तो मैं स्ट्रिक लगा देता था ताकि मेरा कोई क्लिक ना हो, इसलिए इनवैलिड क्लिक नहीं आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड आता है कि जो इनवैलिड क्लिक के बाद आता है अपना लिमिट का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना, फिर भी मैं इसमें बताया था, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको कि उसमें क्या करना है। आपको सीधा ही आपको जाना है अपना जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि मान लो ट्विटर से आप ट्विटर पे शेयर करते हो, फेसबुक पे करते हो, ऑटोमेटिक जितना भी जाता है बल्क में जाता है, वैसे जाता है, जो शेयर करते हो, तो उसमें एड्स लिमिट इसीलिए लग जाती है, उसको सबको बंद कर दो और कंटेंट लिखो उस पर, ऑर्गेनिक आना चाहिए मिनिमम 70%, ध्यान रखना 70 में, आपकी एड्स लिमिट जो 30 डेज की दे रखी है वो 10 दिन 15 दिन में अपना भी ऑटोमेटिक हट जाएगी, मैं कई बार हटाई है यार, पकाया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एडसेंस के आगे ना ऐड आगे दिखा, देख सकते हैं आप, तो ये मेरे पास, मैं यही कह रहा हूँ कि कईयों पे मेरे पास है, तो मैंने ये अमेजोन टैग न्यूज नाम से बना रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऐड लगा दी मैंने बीच में, तो मैं ये फ्रंट पे है, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा तीनों साइड से मैं कमा सकता हूँ, मैं तीनों साइड से ही कमा रहा हूँ, एफिलिएटेड भी कर रहा हूँ। बहुत से बंदे सोचते हैं कि नहीं यार मैं एफिलिएटेड से तो है ही मेरी अर्निंग, प्लस इससे एडसेंस हो गया और अपना वी कमीशंस हो गया, तो ये चीज़ है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको। हम अपने उस पर लाइन पर चलते हैं सीधा ही, तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये मैं आपको साइड दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट जाके भी इसको कर सकते हैं। हाँ मैं इसके बाद एक और दिखा देता हूँ मैं आपको क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ उनका, फिर मैंने वहाँ से सीधा ही उनको अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने क्या लिख के भेजा, देखो इसी पे भेजा था कि उस पर ऑलरेडी गूगल एडसेंस का अप्रूवल था, तो यहाँ क्या लिखा है, यूर अकाउंट वॉज नॉट अप्रूव, कब आई थी मेरे पास, ये आई थी 3 डेज, मतलब 17 तारीख को ही आ गई थी, शाम तक आ गई थी मेरे पास। और वो देखो कितने बजे आई, वो थी उसकी भी दिखाया था मैं डेट आपको, ये टाइम देखो इसका सुबह का था, सुबह 4:02 पर आई थी, मैंने फिर कर दी उसकी अप्लाई, और यहाँ से देखो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद यहाँ का नहीं अप्लाई, क्यों नहीं आया कि गो टू द गूगल एडसेंस मैनेजर एंड द साइन इन द ईमेल आईडी एंड द योर पासवर्ड सबमिटेड यू विद योर एप्लीकेशन, कंप्लीट द स्टेप फॉर द ये, और ये करने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो द स्टेप फॉर द डिसअप्रूव द डुप्लीकेट अकाउंट। ये कह रहे कि अगर आप उसमें कहा कि अपना जो दूसरा अकाउंट है उसको डिलीट कर दो, मतलब मेरा एडसेंस का जो है उसको मैं डिलीट कर दूं, उसके बाद इनसे अप्रूवल ले लूं, तो आप इजीली आप खुद डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, जिन जिनको अप्रूवल नहीं मिलता एडसेंस से, क्योंकि दोनों के रूल अलग अलग है, इजीली मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा ही अप्लाई करना है और सीधा ही वहां पर आ जाएगा, और उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा जो इसमें, ऐसा कोई डैशबोर्ड ये बाद में देते हैं, बस इतना सा फर्क है, ये आपको डैशबोर्ड जब देंगे जब इनको फाइनली सब कुछ हो जाएगा, बस आपके उस पर ट्रैफिक का कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको साइट दिखाया था, यहाँ देखो लिखा है बेसिक गूगल सर्टिफाइड बिजनेस पार्टनर, ठीक है, गूगल बिजनेस है, ठीक है, गूगल से अप्रूव्ड है बकायदा, तो गूगल का साथी है, पार्टनर है ये, तो फाइनल साइट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर सीधा ही आपको क्या करना है, गेट बेसिक एड्स, मैं इसका लुक दिखाया था, कैसी लुक है देखो, ये अर्न मोर देन द एडसेंस, एडसेंस से ज्यादा कमाने का तरीका। अभी मैं इसमें एक बार अप्लाई करूंगा, एक बार मैं कोई दूसरी फ्रेश एक ऐप बनाई हुई है मैंने अभी सब पे अप्लाई, तो वहां पर मैं आपको उसका बकायदा रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तो इसलिए सब्सक्राइब करते रहा, तो इसको यहाँ से अर्न मोर देन वीडियो, ठीक है, लेस, ठीक है, उससे ज्यादा देगा, ये आपको इंप्रेशन पे भी था, इंप्रेशन पे गूगल नहीं देता, एडसेंस नहीं देता। अब यहाँ देखो एडसेंस, एडसेंस का ही है और यहाँ पे बेसिक्स का ही है, सेम वही है, वही एड नेटवर्क का सब कुछ वही है, बस ये उसका पार्टनर है, तो इसके लिए आपको दिक्कत है, लेकिन आपके पास अगर एडसेंस अप्रूवल है तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, अब मत करना, आप नई वाली पे करना,
क्योंकि दो अकाउंट तो कम से कम होने चाहिए। एड्स दैट द एक्चुअली वर्क, यहाँ से आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ द एड्स, इंप्रेशन ये हो गया, टैग्स हो गया, ये हो गया। तो ये देखो यहाँ इजो एक भी है इसके अंदर, गूगल पार्टनर सर्टिफाइड और अपना गूगल एड्स मैनेजर, ये तीनों चीज़ें। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर देखो एडवर्टाइजर जो रहते हैं, फिर इसका इंटरनेशनल पेमेंट, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखना है। इट्स पे द बेसिक्स, और बेसिक करके जैसे कि देखो एक्सेस द गूगल एडसेंस एंड अदर पॉपुलर एड नेटवर्क ऑन द टैग इन द साइट हेडर्स, हेडर्स के ऊपर डालना। एड डिस्प्ले द प्रॉपरली दिखेगी, ऑटोमेटिक दिखती है, और नो विजिट द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कोई नहीं, कोई की आपकी उस पर कितने बंदे आ रहे हैं। आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया, तो आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, आई हैड डोट द एवरेज आरपीएस एंड टोटल रेवेन्यू, मतलब आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको इजीली इसमें मिल जाता है। प्रोवाइड द पाथ ऑफ द फ्यूचर ऑप्टिमम, भरोसा करिए भाई इस पर जरूर मिलेगा। ठीक है, और मैं खुद एक बार इस पर ट्राई करूंगा और आपको लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगा। आप यहाँ पर फिर भी अप्लाई कर दीजिए, जिनको मिल जाता वो मुझे नीचे कमेंट में डाल के देना कि हाँ भाई मेरे को मिला था, या फिर अब मिलेगा, या मैंने अप्लाई किया, तो सब चीज़। तो यहाँ से आपको सीधा जाना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ सीधा जाओ। सीधा जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ इजो एक पे आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को ज़्यादा इसका अच्छा लगता है। यहाँ पर सीधे जाके इसको आपको यहाँ पर डालना और अपना ईमेल आईडी डालो अपनी और कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद वो अपना आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, बस यही था। और इसके बाद आपको नीचे जाना है, क्या ना करना है, यहाँ से आने के बाद फिर ऐसे ही करते करते फिर आप इसको सारी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे तो हम लोग फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद फिर देखते हैं। बस यहाँ से फिर इसको सीधा ही क्लिक करके अप्लाई करते हैं, ऐसे करना है आपको।